Good morning dear students, welcome back to online classes. This video is for class 1st, subject is English grammar and we have completed 2 chapters of this book and today in this video we will start chapter 3. So get ready quick, take out your book and open chapter 3. See beta, it is chapter 3, chapter name is special names. In second chapter we have learned about naming words. नेमिंग वर्ड्स के बारे में हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में डिस्कस किया था और आई होप यू हैव क्लियर दिस थिंग दैट नेमिंग वर्ड्स आर नाउन एंड नाउन मीन्स नेम. ओके, वी कैन से नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. ओके, हम कह सकते हैं कि नाउन जो होता है वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं. ठीक है, नेमिंग वर्ड्स में किस किस के नेम होते हैं? किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के और जानवर के, इनके नेम होते हैं बच्चों. अब उन्हीं में से हम सीखेंगे स्पेशल नेम्स कौन से होते हैं. तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे स्पेशल नेम्स एंड कॉमन नेम्स. ओके, सी बेटा, सम पिक्चर्स आर गिवन टू यू विद योर नेम. इंडिया गेट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ताजमहल, आईफिल टावर, ये कुछ आपको नेम दिए हुए हैं, पिक्चर्स भी दी हुई हैं. These are the special names of buildings. ये buildings के special name है क्योंकि देखो इंडिया गेट जो है इसी बिल्डिंग को इंडिया गेट बोलते हैं, इसके जैसा कोई और नहीं है. स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये जो स्टैचू है ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी बोलते हैं और इसके जैसा कोई और दूसरा नहीं है, तो ये इनके special name है. ताजमहल है, कोई भी दूसरा ताजमहल नहीं है. ठीक है, आईफिल टावर है, वो स्पेशल है, अपने आप में एक है. तो जो अपने आप में एक होता है और उस खुद के नाम से जाना जाता है उसे हम कहते हैं स्पेशल नेम. ओके, एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू दैट इज स्पेशल नेम प्रॉपर नाउन भी कह सकते हैं. हम स्पेशल नेम को क्या कह सकते हैं? प्रॉपर नाउन. अगर आपको स्पेशल नेम लर्न रहता है तो आप स्पेशल नेम लर्न रखो, और अगर आप समझ सकते हो कि स्पेशल नेम्स ही प्रॉपर नाउन होते हैं देन कीप इट इन योर मेमोरी. ओके, सो ये जो नेम आपको दे रखे हैं वो क्या है? स्पेशल नेम है. क्लियर? सी सम मोर नेम्स आर गिवन टू यू. मदर टेरेसा. ओके, एंड नेक्स्ट नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इट इज़ आल्सो स्पेशल नेम. ओके, तो ये तो हुए अब तक स्पेशल नेम. दीज आर द स्पेशल नेम्स ऑफ पीपल, ये पीपल के स्पेशल नेम है. जैसे कि आपका खुद का नेम है अंकित, है ना, टीना, ये जो नेम है सबके अपने अपने नेम होते हैं, वो क्या होते हैं? स्पेशल नेम होते हैं. ओके, और एक चीज़, अ स्पेशल नेम बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. स्पेशल नेम जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से अपने माइंड में रखेंगे. जैसे कि हम कभी भी अपना नेम लिखते हैं तो देखो कैसे लिखते हैं. जैसे मुझे लिखना है आना, तो अपन कैपिटल लेटर से लिखेंगे आना, आना नेम है. ठीक है, और भी कोई, जैसे मुझे लिखना है नव्या, एन ए वी वाई नव्या, तो एन क्या होगा? कैपिटल. व्हेनेवर वी राइट स्पेशल नेम वी ऑलवेज स्टार्ट इट विद द कैपिटल लेटर. ओके, गॉट इट? ये तो इसने सारे कैपिटल लेटर लिख दिए हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है, ये कंपल्सरी है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई दिस नेम इज स्पेशल नेम. ओके, अब यहाँ देखो, कंगारू, पपी, रूलर, दीज आर कॉमन नेम्स. ये क्या है? कॉमन नेम्स हैं, ये कॉमन नेम्स हैं. दे कैन बी यूज फॉर एनी पर्सन. देखो किसी के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं. जैसे कंगारू, बहुत सारे कंगारू होते हैं और सारे कंगारू को हम कंगारू ही बोलेंगे. पपी, काफ़ी सारे पपी होते हैं, सबको हम पपी बोलते हैं. रूलर, रूलर भी बहुत सारे होते हैं. तो किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं. वर्कशीट वन, ये बेटा जूम क्लासेस चल रही है तो मैंने कंप्लीट कर ली थी, अभी आपको समझा देती हूँ कि क्या करना है. देखो, कलर द स्पेशल नेम इन ग्रीन. जो स्पेशल नेम है उनको ग्रीन कलर से कलर करना है, एंड कॉमन नेम्स इन ब्लू. अब आपको डिफ्रेंशिएट समझ आ गया होगा, डिफ्रेंशिएट करना आप सीख गए होंगे, स्पेशल नेम और कॉमन नेम में. स्पेशल नेम एक तो ऐसे पहचान सकते हैं हम, स्पेशल नेम कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होते हैं,
यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि अपन किसी का नेम है तो वो क्या है, स्पेशल नेम है। तो देखो अनन्या स्पेशल नेम है, उसको ग्रीन किया। कॉम, कॉम नेम नहीं है, कॉमन है तो ब्लू कर देंगे। कंप्यूटर ब्लू, पिज़्ज़ा ब्लू, जो कॉमन है उसको ब्लू करना है और जो स्पेशल है उसको ग्रीन करना है। तो आप देख पा रहे हो जो कॉमन है उसको मैंने ब्लू किया हुआ है और जो स्पेशल है उसको ग्रीन किया हुआ है। यू विल डू लाइक दिस, ओके। नाउ कम ऑन वर्कशीट सेकेंड। सी वर्कशीट सेकेंड में क्या करना है, इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आइडेंटिफाई द स्पेशल नेम्स, आपको स्पेशल नेम आइडेंटिफाई करने हैं एंड राइट द फर्स्ट लेटर एज कैपिटल लेटर्स, और उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। देखो आयशा कैपिटल नहीं लिखा है इसने, तो हमने देखो आयशा कैपिटल ए कैपिटल कर दिया। मुंबई, ये भी स्पेशल नेम है, जगह का नेम है, प्लेस का नेम है, तो मुंबई को मैंने कैपिटल लिख दिया, ओके। इंडिया गेट, इंडिया गेट को कैपिटल लिख दिया, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। बाल भारती, ये नेम है स्कूल का, बाल भारती कैपिटल। विराट पर्सन का नेम है, स्पेशल है, तो मैंने विराट कैपिटल लिख दिया। निपुण नेम है, निपुण, तो मैंने इसको एन को कैपिटल लिख दिया। डेयरी मिल्क चॉकलेट है, चॉकलेट तो बहुत सारी होती है लेकिन डेयरी मिल्क अपने आप में नेम है, तो डेयरी मिल्क को कैपिटल लिख दिया। क्लियर, यू विल डू लाइक दिस। सेम ऐसे ही आपको अपनी बुक में करना है, नोटबुक में नहीं करना कोई भी वर्क। शॉर्ट द नेमिंग वर्ड्स इन द राइट कॉलम, अभी आपको ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है, ये नेमिंग वर्ड्स हैं। बेटा लिसन, नेमिंग वर्ड्स तो नाउन होते हैं, क्या होते हैं, नाउन, और नाउन में भी हमने टू टाइप के पढ़ रहे हैं अभी। एक तो देखो स्पेशल नेम और एक कॉमन, ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये जो सारे नेमिंग वर्ड्स हैं इसमें अपन को क्या आइडेंटिफाई करना है, पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स, इनके नेम आइडेंटिफाई करने हैं, ओके। सी बेटा पर्सन का नेम है तो आप इधर लिख दोगे, प्लेस का नेम है तो यहाँ लिखोगे, एनिमल का नेम है तो यहाँ लिखोगे, थिंग का नेम है तो यहाँ लिखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू इट, इफ यू आर अनेबल टू फाइंड करेक्टली देन चेक योर आंसर फ्रॉम दिस वीडियो, ओके। नाउ टर्न द पेज, वर्कशीट फोर। डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट वर्क, वी नो वेरी वेल, अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। डू यू नो वॉट आर दे कॉल्ड, क्या तुम जानते हो इनको क्या कहते हैं। चूज द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, ब्रैकेट से वर्ड चूज करना है एंड फिल इन द ब्लैंक, और जो ब्लैंक है उसे फिल करना है। ऑल्सो सर्कल ऑल द स्पेशल नेम, और स्पेशल नेम को सर्कल करना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक उन्होंने बुक करके दिया हुआ है, फिल है ऑलरेडी। देखो मयंक स्पेशल नेम है, सर्कल कर दिया, और मयंक कौन है, बेकर है, क्योंकि वो बेक्ड केक, तो वो कौन हो गया, बेकर हो गया। इसमें मिस्टर शर्मा को राइटिंग बुक, यानी राइटिंग बुक कौन राइट करता है, ऑथर, तो ऑथर को हमने यहाँ लिख दिया। मॉन्टी इज रिपेयरिंग कार, कार कौन रिपेयर करता है, मैकेनिक, तो मैकेनिक यहाँ फिल कर दिया और मॉन्टी को सर्कल कर दिया। श्रेया इज टीचिंग, टीचिंग कौन करवाता है, टीचर, और श्रेया को सर्कल कर दिया, ओके। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, व्हेन वी कीप अ पेट एनिमल इन आवर हाउस, ये क्वेश्चन आपके लिए है। जब हम अपने घर में कोई भी पेट एनिमल रखते हैं, कैट है, डॉग है ना, रैबिट है, जो भी पेट एनिमल रखते हैं, वी गिव इट स्पेशल नेम लाइक द रेस्ट ऑफ पीपल इन आर इन द हाउस, घर में और लोगों के नेम होते हैं वैसे ही हम उसे भी नेम देते हैं। शुड वी ट्रीट पेट एनिमल्स विद द सेम लव और काइंडनेस, और जैसे हम अपने घर के मेम्बर्स को प्यार करते हैं वैसे ही केयर करते हैं उनकी, है ना, उन पर दया रखते हैं, वैसे ही हमें अपने पेट एनिमल्स पर भी रखनी चाहिए या नहीं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो यस, एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग बींग लाइक अस, एनिमल भी हमारी तरह लिविंग बींग्स होते हैं, सो वी शुड ट्रीट देम एज वी ट्रीट अ ह्यूमन, ओके। सो दिस चैप्टर इज कम्प्लीट नाउ, यू जस्ट डू योर वर्क इन द बुक इट्सेल्फ। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।